ये ओनर का है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए ओनर का होना कंपलसरी है, टेनेंट का होना कंपलसरी है। एक हाउस होगा, ये हाउस का वो लीगल पोजीशन इसको देगा किराए पर रहने के लिए। ट्रांसफर नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, वो देगा इसको किराए पर। और ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग ओनर के लिए, क्योंकि इनकम होगा ओनर का, ये इनकम होगा ओनर का। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ओनर का ये ओन हाउस होना चाहिए। ओन हाउस, ओन हाउस मतलब ये कहीं से किराए पर लाया है, दूसरे को किराए पर दे रहा है, वो चैप्टर नहीं आएगा। इसका ये मालिक होना चाहिए, इसका ये स्वामी होना चाहिए, ओनर इस हाउस का ओनर होना चाहिए, तब जाकर ये चैप्टर अराइज होगा हाउस प्रॉपर्टी। हमारे भिलाई में तो इतने नहीं है ये, जितने भी मेट्रो सिटीज में जाओगे तो ज्यादातर लोग यही करते हैं, अपना मकान किराए पर दे देते हैं, ऊपर का फ्लोर किराए पर दे दिए है, नीचे का फ्लैट पीछे का एकाक रूम एक्स्ट्रा होगा वो किराए पर देना, रेंट पर देना। तो जब ओनर अपने ओन हाउस को रेंट पर देगा तब ये चैप्टर बनेगा हाउस प्रॉपर्टी। सर ये चैप्टर किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग ओनर के लिए पढ़ रहे हैं, ओनर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो आपको हर बार सोचना है, सबसे पहला इस चैप्टर में थिंग होना चाहिए कि क्या ये मकान ओनर का है? यस है। क्या उसको किराया मिल रहा है? हाँ किराया मिल रहा है, तब यह चैप्टर बन जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि रेंट बनता कैसे है, क्या बताएगा ये रेंट। तो हम इन दोनों के बारे में बात करते, डिस्कशन करते कि क्या रेंट देगा। तो टेनेंट पूछा कि सर कितने पर किराए पर दोगे? तो ये बोलता है मैं किराए पर दूंगा 5,000 रुपए पर मंथ। तो टेनेंट एक बार में मानेगा नहीं, अब ये करेगा इसके साथ डिस्कशन। तो यही डिस्कशन करना है कि मकान तो समझ में आ गया, ओनर समझ में आ गया, टेनेंट समझ में आ गया, किराए पर देना है, वैल्यूज क्या होंगे हाउस की, रेंट की वैल्यू क्या होगी। सुनो क्या है, सबसे पहले ये 5,000 रुपीज जो बताया, ये बोलेगा कि म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है आपका हाउस का, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है आपका हाउस का। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब वहां का नगर निगम का रेट क्या चल रहा है किराया। तो ये बोलता है नगर निगम से मुझे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले डिस्कशन हुआ म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है ये पूछा टेनेंट, पूछा म्यूनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्य म्यूनिसिपल वैल्यू। ये बोला कि म्यूनिसिपल वैल्यू तो 4,000 चल रहा है यहाँ का, तो बोला 4,000 में दे दो। बोला नहीं 4,000 में नहीं दे। तो पहला पॉइंट आता है म्यूनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका यहाँ का क्या रेंट चल रहा है वहां। फिर बोलता है कि आसपास के मकान की क्या वैल्यू चल रही है, बगल वाला तो 4,500 में किराए पर दिया है, उसके बगल वाला तो 3,000 रुपए किराए पर दिया है। तो ऐसे रेंट जो आसपास के रेंट होते हैं इनको बोला जाता है फेयर रेंट, उचित किराया। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब नगर पालिका से, म्यूनिसिपालिटी से जो वैल्यू आया है वो म्यूनिसिपल वैल्यू होता है। उसके बाद सेकंड है आपका फेयर रेंट, जो आसपास के मकान की किराया। तो बोला तो फेयर रेंट से मुझे क्या मतलब, मैं नहीं दूंगा फेयर रेंट पर। कौन माइक चालू कर रहा है पढ़ते पढ़ते? रश्मित कौर, पहली बार अटेंड कर रही है क्लास? सो ये बताया 5,000 रुपए रेंट पर दूंगा। ये पूछा कि म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, बोला 4,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है। बोला उस पर किराए पर नहीं दूंगा मैं। फेयर रेंट आसपास के मकान का किराया 4,500, बोला उस पर भी किराए पर नहीं दूंगा मैं। ये देख रहा है ना, ये भी अनुमान लगा कर आया अपने घर से कि क्या रेंट हो सकता है। फिर बोला चलो आप म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं, आप फेयर रेंट नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं, एक एक्ट होता है, एक्ट अधिनियम होता है, एक्ट होता है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि इस मकान का इस एरिया का ऐसा ऐसा रेंट होना चाहिए, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट। बोलता है स्टैंडर्ड रेंट तो सर 4,600 रुपए, चलो आप यही ले लो। बोला नहीं लूंगा 4,600 पे, मेरा मकान है ये। तो एक स्टैंडर्ड रेंट भी होता है जो स्टैंडर्ड रेंट एक्ट के अंदर दिया रहता है कि ऐसा एरिया का अगर इस एरिया पर इसकी इतने पॉपुलेशन है तो वहां का रेंट ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट भी होता है। तो ये बोला मैं तो तेरे को 5,000 में दूंगा, जमता है तो बता। तो ये जो 5,000 जो ये बोल रहा है इसको बोला जाता है एक्चुअल रेंट। तो देखा जाए आपके पास टोटल 4 टाइप के रेंट्स होंगे, एक म्यूनिसिपल वैल्यू होगा, एक फेयर रेंट होगा, एक स्टैंडर्ड रेंट होगा और एक एक्चुअल रेंट होगा। किराए पर कौन से रेंट पर दिया जाता है? एक्चुअल रेंट पर दिया जाता है। तो सर जब एक्चुअल रेंट पर देते हैं किराए पर, इसका इनकम 5,000 होगा, तो ये सब क्यों बना रहे हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं।
अगला ओनर तो मैं बोलेगा कि मैं म्यूनिसिपल वैल्यू पर भी आपको रेंट पर नहीं दूंगा, मैं ना फेयर आसपास के किराए पर दूंगा, ना मैं एक्ट के अनुसार दूंगा, मैं तो अपना एक्चुअल रेंट दूंगा। तो सर ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, सुनना क्या जरूरत है ये सब पढ़ने का। चार टाइप के रेंट्स होंगे आपके पास। म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं माना ओनर, उसको बोला सर फेयर रेंट ले लो, नहीं माना ओनर। उसको बोले सर स्टैंडर्ड रेंट ले लो, नहीं माना ओनर। ओनर बोलता है मेरा जो कीमत है 5000, जमता है तो बता 5000 इसका बना एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट सॉरी। तो एक्चुअल रेंट पर काम चलेगा, लेकिन ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है जिस पर एक्चुअल रेंट आया। बैठ कर देख रहा है ये गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि ओनर किराए पर दे रहा है, पैसा कमा रहा है, मैं जाऊंगा इससे टैक्स लेने। ओनर यहां इनका गवर्नमेंट बैठ कर देख रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट गया ना कि लाओ ओनर आपने किराएदार से टेनेंट से किराया कमाया 5000 रुपए किराया रेंट, हमको टैक्स दे दो। गवर्नमेंट मांग रहा है टैक्स कि ओनर आप टेनेंट से किराया कमाए हो 5000 रुपए रेंट कमाए हो, लाओ टैक्स दे दो। तो ओनर बोलता है कौन बोला 5000 कमाया, मैं तो सिर्फ 2000 रुपए किराए पर दिया हूं। ये बोलता है नहीं मैं 5 पर नहीं दिया, मैं 2 पर दिया हूं। तो गवर्नमेंट बोला रुक मैं तेरे को इससे पूछ लेता हूं। तो गवर्नमेंट टेनेंट से पूछा, टेनेंट को ये धमका के रखा था ओनर, बोला कि अगर तू 5000 बताएगा तो तेरा मकान खाली करा दूंगा, रोड में आ जाएगा तू, 5000 दे, लेकिन कोई आएगा तो बोल देना 2000 पर दिया। बोलते हैं ऐसा कई लोग, ओनर एक्चुअल किराया पर जितना लेता है उसको बोलेगा कि कोई भी पूछेगा तो बता देना कम पर लिया। तो ये डर गया, बोला कि नहीं बताऊंगा, गवर्नमेंट को बोल रहा 2000। गवर्नमेंट बोला ऐसे में तो मेरा 5000 पर टैक्स मिलता, अगला झूठ बोल रहा है और अपने किराएदार को भी डरा दिया, मेरा 3000 पर टैक्स कम मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बोला रुक जा, कितने में किराए पर दिया 2000, मैं नहीं मानूंगा। गवर्नमेंट बोलता है 2000 किराए पर दिया, मैं नहीं मानूंगा। तो ओनर बोला तो क्या करोगे, तो बोलता है कि मैं इनके साथ कुछ रूल लगाऊंगा, इनके साथ कुछ रूल लगाऊंगा, ये 4 रूल है, इनके साथ कुछ रूल लगाऊंगा, और जो इन चारों रूल के साथ सबसे ज्यादा आएगा उस पर मैं टैक्स लूंगा। कैसे कैसे, सुनना ध्यान से। 5000 रुपए रेंट पर लिया था लेकिन बता रहा है कम गवर्नमेंट को, और टेनेंट भी इसका बात में आ गया कि हाँ सर कम लिया है, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है, ये बोला कि तेरे 2000 को तो मैं नहीं मानने वाला। इस एरिया का म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है रेंट का, तो ये बता है म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 4000। तो बोला क्यों दिया तू 2000 पर, मैं तो 4000 पर टैक्स दूंगा, जबकि 2000 पर दिया नहीं ना, ये झूठ बोल रहा है, 5000 बता रहा है, लिया था लेकिन 2 बता रहा है। तो ये भी दिमाग लगाया गवर्नमेंट, बोला कि इस एरिया का म्यूनिसिपल वैल्यू 4000, मैं 4000 पर टैक्स लूंगा। अब ये झूठ बोला कोई मतलब ही नहीं था, 4000 पर टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला रुक जा गवर्नमेंट, अभी 4 पर मत दे, तो इसको ठगा है ना, ये इसकी बात नहीं मान, अब सुनो। गवर्नमेंट बोलता अब उस एरिया का फेयर रेंट क्या चल रहा है, म्यूनिसिपल वैल्यू तो 4000 चल रहा, आसपास के मकान का रेंट कितना चल रहा है 4500 ये बताया। तो बोला तू 2000 में क्यों दिया, ला 4500 पर टैक्स दे, अब 4000 को भी छोड़ दूंगा, इसमें भी नहीं लूंगा मैं टैक्स 4500 पर। बोले स्टैंडर्ड रेंट क्या चल रहा है उस एरिया का, तो बोले 4600, तो क्यों दिया 2000 में, 4600 पर टैक्स दे, एक्चुअल रेंट लिया था 5000 लेकिन बता रहा है 2000। तो चारों में से जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेगा। एक्चुअल में जो तू दिया उस पर किसी को बिलीव ही नहीं होगा, ओनर ने जो एक्चुअल पे दिया वो बिलीव ही नहीं करेगा। म्यूनिसिपल वैल्यू चेक करेगा, ये ग्रेटर लग रहा है तो इस पर टैक्स लगा देगा। फेयर वैल्यू चेक करेगा, ये ग्रेटर लग रहा है तो इस पर टैक्स लगाएगा। स्टैंडर्ड रेट दिख रहा है तो ये ग्रेटर दिख रहा है तो इस पर टैक्स लगाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ओनर ना जितना भी ये 3 वैल्यू है ना इससे ज्यादा पर ही टैक्स दिया है। गवर्नमेंट को भी मालूम है जितने ओनर होते हैं वो लोग म्यूनिसिपल वैल्यू आसपास के पड़ोसी लोग से पूछेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा पर ही रेंट देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, बोलता है इन सब में से जो वैल्यू सबसे ज्यादा है मैं उस पर टैक्स दूंगा। तो इसके मुंह से निकल गया कि इसको सुना रहा था गवर्नमेंट की 4000 ज्यादा वैल्यू है, 4500 ज्यादा वैल्यू, 4600 ज्यादा वैल्यू, उस पर देना चाहिए था आपको करके इसको बोल रहा। तो ये बोला सर मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं 5000 पर टैक्स दे रहा था, 5000 पर रेंट लिया, और आप मेरे से किस पर टैक्स ले रहे हो, 4600 पर।
तो बोला फिर से बोल कितने पर टैक्स पे दिया, रेंट पर दिया, बोला 5,000 पर, ये तेरा एक्चुअल वैल्यू 5,000, अब ये ज्यादा हो गया, अब इस पर टैक्स दे तू। अभी तक ये नहीं बताया था, ये 2,000 बताया था, 2,000 पर, बोला कि 4,000 ज्यादा है इस पर टैक्स दे, बोला नहीं उससे ज्यादा वैल्यू ये है तो इस पर टैक्स दे, बोला उससे ज्यादा वैल्यू ये इस पर टैक्स दे। तब बोला कि सर मैं तो 5,000 पर दिया था, बोला अब ये ज्यादा वैल्यू हो गया, अब इस पर टैक्स दे तू। सिचुएशन ऐसा है कि सर जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा गवर्नमेंट उस पर टैक्स देगा। तो ओनर लोग मैक्सिमम टाइम ओनर लोग अपना रेंट छुपाते हैं कि मैं कितना किराया कमाया, तो बोले मत बता तू, छुपा ले, चल 1,000 बता दे, हम तो जो ज्यादा दिख रहा है उस पर ले लेंगे। और ज्यादातर लोग यहाँ फंस जाते हैं, आसपास के दुकान के किराए, आसपास के मकान के किराए पे फंस जाते हैं कि आसपास जो रेंट चल रहा है उस पर चला देंगे। तो ये वाला गवर्नमेंट पता करता है, और गवर्नमेंट को मालूम होता है आसपास का क्या वैल्यू चल रहा है। तो ये है आपका चैप्टर, इस चैप्टर में आपको पता करना है कि म्यूनिसिपल वैल्यू बड़ा है, कि फेयर रेंट बड़ा है, कि स्टैंडर्ड रेंट बड़ा है, कि एक्चुअल रेंट बड़ा है। जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा, बोलेगा तू ले इससे वसूल ले जितना वसूल ले, हम तो जो वैल्यू ज्यादा है। और अगर तू मुझे बताया कि मैं ज्यादा वसूलता हूं तो मैं तेरे से ज्यादा पर टैक्स ले लूंगा, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं छोड़ने वाला। लेकिन याद रखो और चल रहा है, और या तो ये वैल्यू बड़ा होगा तो इस पर चलेगा, या तो ये वैल्यू बड़ा होगा, या तो ये वैल्यू बड़ा होगा, या तो ये वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट में एक रूल लगता है, एक छोटा वैल्यू भी देखा जाता है, मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा मैं। तो बेसिक आपका यही है इस चैप्टर में कि आपको पता करना है ओनर और टेनेंट का रिलेशन, वो तो क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा। इसके बाद आपको पता करना है कि कौन से वैल्यू पर टैक्स लगेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर, स्टैंडर्ड रेंट पर और एक्चुअल रेंट पर। क्या सर चारों में लग सकता है? इम्पॉसिबल चीज है, ऐसे कैसे सोच सकते हैं चारों पर लगेगा? कोई एक ऑप्शन आपको आएगा, और गवर्नमेंट कौन सा ऑप्शन लेगा? जो वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर आप लोग पिछला चैप्टर पढ़े हो सैलरी चैप्टर, तो याद होगा उसमें बीच एवर इज लेस पढ़ा जाता था, जो सबसे कम है। लेकिन यहां पर ओनर रेंट छुपाता है, इसलिए बीच एवर इज ग्रेटर यहां पर पड़ेंगे, जो सबसे ज्यादा है। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में यह आता है कि सर ओनर ने इसको रेंट पर दिया क्यों है? रहने के लिए दिया है, कि बिजनेस करने के लिए दिया है, कि स्कूल चलाने के लिए दिया है, कि कोचिंग चलाने के लिए दिया है, कि रहने के लिए? क्या पर्पस है? पर्पस कुछ भी हो, अगर आप ओनर हो, आपने रेंट पर दिया है, सामने वाला इस हाउस को कोई भी पर्पस में यूज करे, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा, कोई भी पर्पस में यूज करे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आ जाएगा। सर इसमें ये रहता है, चलेगा। सर इसमें इसका दुकान चलता है, चलेगा। सर आधा साइड में रहता है और आधा साइड में बिजनेस चलाता है, तो भी ओके है। इसको तो किराया मिल रहा है ना, रेंट मिलने से मतलब, इसको रेंट मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। चैप्टर पढ़ रहे हो आप ओनर के लिए, फिर से बता दूं मैं, चैप्टर पढ़ रहे हो आप ओनर के लिए, आप किराएदार के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ओनर को तो मतलब है सिर्फ रेंट से। अब मेरा जो कोचिंग का है, मैं उसमें पढ़ाता हूँ, मेरे घर वाले अगर मुझे निकाल देगा तो मैं उसमें रहने लग जाऊंगा। तो इसको तो मैं किराया जो दे रहा हूँ, मैं वही किराया दे रहा हूँ। तो सामने वाले को सिर्फ रेंट से मतलब। सर उसमें वो दुकान चला रहा है, चलाने दो, आपको रेंट मिल रहा ना, चैप्टर आ गया हाउस प्रॉपर्टी। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन फंसाएगा आपको, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस करके अलग अलग पर्पस दिया रहेगा। पर्पस को इग्नोर करो, ओनर को किराया मिला, चैप्टर लगेगा आपका हाउस प्रॉपर्टी। और प्लस आपको आपका काम है एज अकाउंटेंट, आपका काम है कि कौन सा वैल्यू पर टैक्स लगाना है। अब एक सिचुएशन और लाता हूं मैं, ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। पहला दिन रहता है तो ज्यादा लेक्चर ही रहेगा, प्रैक्टिकल तो चालू करूंगा कल से बनाना, आज तो सुनना है, दिमाग में इसका एनवायरमेंट क्रिएट करना। इसने इसको दिया 5,000 रुपए के रेंट पर, अगले ने इस मकान को किसी और को दे दिया, ये लिया किराए पर और ये किसी और को दे दिया 6,000 पर। होता है ऐसा? कई लोग होता है कि सस्ते में किराए पर मिल रहा है, ले लेते किराए पर और दूसरे को दे देते 6,000 रुपए किराए। या ऐसा सिचुएशन होता है कि बोला कि मैं तो किराया दे दिया हूं, मैं रह नहीं पा रहा हूं, उसमें किसी दूसरे को किराए पर दे दिया। इसको सबलेट बोलते हैं, सबलेट। लेट का मतलब लेटिंग, किराए पर देना। सबलेट का मतलब एक जन से किराए पर लिया हूं, दूसरे को किराए पर दिया। बताओ जल्दी से, माइक चालू करो, चैप्टर पढ़ किसके लिए रहे? ओनर के लिए, टेनेंट, ओनर, ओनर,
ओनर के ओनर लिए को कितना किराया मिल रहा है? 5,000। 5,000। 5,000। और टेनेंट को कितना कमाई हो रहा है? 6,000। 1,000। 1,000 एक हो रहा है हजार हाँ क्योंकि 5 तो देगा 1,000, तो इसका कमाई 1,000 है। तो क्या सर ये भी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा? अब क्या ये भी हाउस प्रॉपर्टी? जब ये तो 5,000 रुपए किराया कमाया, ये 6,000 रुपए दिया, 5,000 रुपए दे रहा था, 1,000 रुपए ये भी कमा रहा, किरायेदार भी कमा रहा। कई लोग होते हैं सर अपना मकान को किराया पर, बताओ तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा? बोलो यस और नो। क्यों नहीं आएगा? रीजन क्या है? ओनर के ऊपर का चल रही है, ओनर के ऊपर चल रहा है, कोई अलग से कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओनर का 5,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा क्योंकि ये रेंट कमाया किराया कमाया। किराया तो ये भी कमा रहा है 1,000 रुपए इसी हाउस से, लेकिन ओनर नहीं है ना वो। हाँ वेरी गुड, सही सोच रहे हैं कि सर क्या ये ओनर है इस हाउस का? नहीं नहीं, पहला लाइन तो यही बोला था मैं कि हाउस का ओनर होगा तब आएगा इस चैप्टर में। अगर मैं इस चैप्टर का ओनर ही नहीं, इस हाउस का ओनर नहीं हूं मैं, तो ये किराया नहीं आएगा। तो क्या सर इनकम टैक्स वाला इसको छोड़ देगा? गवर्नमेंट छोड़ देगा? 1,000 रुपए कमा रहा है इससे टैक्स नहीं लेगा? लेगा इससे टैक्स, इससे टैक्स लेगा। अदर सोर्सेस करके एक हेड होगा, अदर सोर्सेस चैप्टर पढ़ेंगे आज से 1-1.5 महीना बाद, कि गवर्नमेंट तो किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ता, जो आदमी पैसा कमाता उससे जरूर टैक्स लेगा गवर्नमेंट। इसको पूछेगा कि क्या तू इस मकान का मालिक है? बोला हाँ मालिक है। अल्लाह हाउस प्रॉपर्टी में 5,000 पर टैक्स दे दे। इसको बोलेगा तू किराया कमाया? हाँ किराया कमाया। क्या तू ये मकान का मालिक है? बोला नहीं मैं मकान का मालिक नहीं हूं। तो तू रुक जा भी नहीं, तेरा चैप्टर आएगा अदर सोर्सेज में, वहां पर तू टैक्स देना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको दिमाग में हर बार यही रखना है, क्या ओनर कमा रहा है? हाँ ओनर कमा रहा है तब ये चैप्टर लगेगा। पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस कोई भी हो सकता है। कौन सा वैल्यू कंज्यूम करेंगे सर? ओनर जो बता रहा है उसको, कोई जरूरी नहीं ओनर जो बताया। ओनर बता रहा है 10,000 रुपए, तो आप 10 पर टैक्स नहीं लगाओगे, आप नियम लगाओगे, देखोगे क्या म्यूनिसिपल वैल्यू है वहां का, क्या आसपास के दुकान के किराया वहां का, क्या स्टैंडर्ड रेंट चल रहा है वहां पर, और ओनर जो बता रहा है वो सही है कि गलत। ये झूठ बोलेगा तो भी चल जाएगा, ये सही बोलेगा तो भी चल जाएगा। सही बोलेगा तो 10 पर टैक्स देगा, झूठ बोलेगा तो यहां से अपन निकाल देंगे उसका वैल्यू। गवर्नमेंट कभी भी किसी के बात पर बिलीव नहीं करेगा, स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बिलीव ही नहीं करता, देखते भी होंगे टीवी में, इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं लोग। ये अपना नियम लगाएंगे, अपना ही रूल लगाएंगे। चलो अब आते हैं इनके वैल्यूज पर, जिसका टॉपिक है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मकान का एनुअल वैल्यू क्या होगा किराए का। तो इसके लिए आपको पढ़ना है एक रूल, सबसे पहले चेक करना है म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू लिख लेना, इसको कंपेयर करना फेयर रेंट से। म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना फेयर वैल्यू से, फेयर रेंट से, यहां फेयर रेंट होना चाहिए। म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना फेयर रेंट से। इन दोनों में जो वैल्यू ज्यादा है, सपोज कर लो ये 5,000 है, ये 6,000 है, जो दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा है, विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में से ज्यादा है उसको लिख देना यहाँ पर। सर ये ज्यादा है दोनों में से 6,000। इसके बाद इस ग्रेटर वैल्यू का कंपेरिजन होता है स्टैंडर्ड रेंट से। इस ग्रेटर वैल्यू का कंपेरिजन होता है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट में दिया हुआ है सपोज करो 5,000। फिर से पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू ग्रेटर होगा वो ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे। फिर इस ग्रेटर वैल्यू का कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज लेस, अब की बार दोनों में से जो छोटा है वो चेक करना है। स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो छोटा वैल्यू वो चेक करते, तो दोनों में से छोटा था 5,000। अब इस छोटे वैल्यू वैल्यू का कंपैरिजन होता है एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन होगा। एक्चुअल रेंट सपोज कर लो 8,000 है। एक्चुअल रेंट सपोज कर लो 8,000 है। अब इन दोनों में से जो बड़ा है वो चेक करेंगे, उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। यस कंफ्यूजन है, लेकिन पढ़ना है इसको, देखते जाना कैसे। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज ग्रेटर, और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लेस, और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज ग्रेटर। खत्म। पहले बड़ा वैल्यू देखना, फिर स्टैंडर्ड रेंट में छोटा वैल्यू देखना, फिर दोनों में से बड़ा वैल्यू देखना। ये है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इससे आपका चैप्टर चालू होगा। चैप्टर चालू होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहां से चालू होता है तुम्हारा चैप्टर। तो
तो कैसे पता करना है आपको, पहले आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। सर क्या हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, पूरा चैप्टर गलत हो जाएगा। जैसा रखा हुआ उसको वैसे ही पढ़ना है आपको। पहले आपको म्यूनिसिपल वैल्यू का फेयर रेंट के साथ कंपैरिजन करोगे, जो बड़ा वैल्यू आएगा उसका स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करोगे, उसके बाद जो छोटा वैल्यू आएगा उसका एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करोगे। अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक सर, जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहता, बहुत कम दिया रहता है, तो ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू, तीनों में से ज्यादा जो बड़ा होगा वो आपका आंसर। कैसे कैसे, ये देखो स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, और अपन ये प्रोसेस चलाते हैं, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 6000, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, वापस 6000 नीचे आ गया, यहाँ 8000, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 8000। तो जब सर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहेगा और 90% ऑफ द क्वेश्चन हमारे बुक का जिसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तब क्या करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, तीनों में से जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा तीनों में से, वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा सीधा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये शॉर्टकट है, इतना बड़ा सा ग्रेटर लेस, ग्रेटर तब लगाते हैं जब स्टैंडर्ड रेंट दिया रहता है। जब स्टैंडर्ड रेंट ही नहीं दिया रहेगा तो आप ये वाला सीधा सिस्टम लगा, तीनों में से जो बड़ा है वो आपका आंसर। और ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट आपको बनाना कंपलसरी है, बाकी जगह का तो नहीं पता, बट मेरे यहाँ पर बनाना वर्किंग नोट कंपलसरी, जिससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ओरिजिनल पैटर्न तो यही है सर, ओरिजिनल पैटर्न आपका यही है। क्या है ओरिजिनल पैटर्न, पहले म्यूनिसिपल वैल्यू का फेयर रेंट से कंपेयर होगा, जो बड़ा होगा उसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड रेंट से होगा, फिर जो छोटा होगा उसका कंपेरिजन तुम्हारा एक्चुअल रेंट से होगा, तब जाकर जो बड़ा वैल्यू निकलेगा एट द एंड वो तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये कंफ्यूज कर देगा क्या, एकदम इजी है यार, अभी कल बनाने लग जाओगे ना प्रैक्टिकल दिख जाएगा सर, एकदम इजी बन जाएगा। अभी बुक का ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखते साथ बोल दोगे सर ये वैल्यू बड़ा है। आओ पलटाओ पेज, एक कॉन्फिडेंस मिलाओ तुम लोगों को। एग्जाम्पल नंबर वन में हाउस प्रॉपर्टी में, एग्जाम्पल नंबर वन में हाउस प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल वन में आप मिला क्या एग्जाम्पल वन किसी को, यस और नो, म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 दिया होगा, फेयर रेंट 36,000 दिया होगा, एक्चुअल रेंट आपको 32,000 दिया होगा, 32,000 मिला, यस सर। चलो अब ये पहला हाउस है ना, देखो ऊपर वन लिखा हुआ, क्या इस तीनों में स्टैंडर्ड रेंट है, तीनों में स्टैंडर्ड रेंट है कि नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेंट है तो शॉर्टकट क्या है, जो तीनों में से बड़ा होगा, जो तीनों में से बड़ा है कौन है, तीनों में से 36,000 वो आपका आंसर। देखो नीचे आंसर लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड रेंट वन और टू बीच एवर इज ग्रेटर, फिर एक्चुअल रेंट बीच ए और बी बीच एवर इज ग्रेटर, तो फाइनल आंसर नीचे 36 लिखा हुआ। शॉर्टकट तरीका बनाने का, वो तो छोटा क्वेश्चन एक्सरसाइज करवा रहा है आपको, वो नहीं बनाना है। अगला पॉइंट में आओ, बी पॉइंट में, तीनों में से कौन बड़ा, 28,000 आपका आंसर, पटाक से बनता है, ट्रिक है अपने पास उसको बनाने का। नंबर थ्री, तीनों में से कौन है बड़ा, तीनों में से कौन है बड़ा, देखो 35,000 आपका आंसर, बिकॉज स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ। अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया होता तो अपन दिमाग लगाएंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर टू में स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एग्जाम्पल नंबर टू में स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है आपको, और उसके नीचे फेयर रेंट दिया है आपको, उसके नीचे स्टैंडर्ड रेंट दिया है, और उसके नीचे एक्चुअल रेंट दिया है। अब आप ऐसा नहीं लगा सकते तीनों में से जो बड़ा है, आप सिस्टम पूरा बैठाएंगे। चलो म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 और फेयर रेंट 36,000 यहाँ जमा करता हूँ, बोलो म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट 36,000, बताओ विच एवर इज ग्रेटर, कौन है बड़ा, 36,000। अब इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट से होगा, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है,
30,000 विच एवर इज लेस, बोलो कौन है छोटा दोनों में से? 30,000 अब एक्चुअल रेंट बताओ, एक्चुअल रेंट क्या दिया है? 40,000 ये रखा एक्चुअल रेंट 40,000 अब इन दोनों में से कौन है बड़ा? 40,000 ये आपका फाइनल आंसर। सर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ओनर जो है वो ओरिजिनल नहीं बताता, उसके बातों पर बिलीव नहीं करता इनकम टैक्स, इसलिए सिस्टम लगाना पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ा टफ सिस्टम नहीं है, बस कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बड़ा देखना खत्म हो गया। पहला आंसर 40,000 नीचे दिया हुआ देख लेना, सेकंड पॉइंट में भी आओगे तो वैसे ही है 26 और 28 में 28 बड़ा है, 28 और 35 में 28 छोटा है, फिर 28 और 30 में 30 बड़ा, 30 तुम्हारा आंसर। वो ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिया, आप इस पैटर्न में रखोगे तो आपका बन जाएगा फटाफट। आओ जल्दी से कॉपी में और इसको लिखो, सीधा ग्रॉस एंड वैल्यू से चैप्टर चालू कर और ये रूल लिख लो। हर क्वेश्चन में ये आएगा, हर क्वेश्चन में ये आएगा, ग्रॉस एंड वैल्यू से ही क्वेश्चन चालू किया जाता है, तो ये आपको दिया रहेगा सभी क्वेश्चन में। जल्दी से इसको लिखो, अब पूरे बुक में खोजना आपको ऐसा रूल नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं लिखा हूं, उन लोग थ्योरी में लिख दिए हैं, मैं उसको अकाउंट के बेस में लिख रहा हूं ताकि आप बना सको उसको इजीली। हो गया सबका लिखना? गिन के इस चैप्टर में 3 से 4 रूल रहेंगे काम के, बहुत ज्यादा भर के रूल नहीं है, फटाफट हो जाएगा। लिख लोगे तो बताना डन करके। हो गया भैया। हो गया सर। प्रिंसिपल वैल्यू का फेयर से कंपेयर, फिर उसका स्टैंडर्ड से कंपेयर, फिर आंसर का एक्चुअल से कंपेयर। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मेन फॉर्मेट सिखाऊं मैं आपको, कैसे बनेगा ये और इस चैप्टर में क्या क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं। सर किराया ले रहा है बस, और क्या क्या हो सकता है देखो, ये फॉर्मेट कंप्लीट करें हम लोग, अभी नहीं लिखना जब तक मैं ना बोलूं, सिर्फ सीखो। हर एक पॉइंट में छोटे छोटे सुर रहेंगे। ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 20 और 21, आपका फॉर्मेट पर्टिकुलर इनकम। सबसे पहले चालू करना है आपको ग्रॉस एनुअल इनकम से, सबसे पहले चालू करना है आपको ग्रॉस एनुअल इनकम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं GAV। इसके बिना आपका क्वेश्चन चालू नहीं होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहना जरूरी है। तो सर कहां से आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू? सीख गया हो आप लोग निकालना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है GAV। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकाल कर बता रहा है, ये जो आप लोग निकाल रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से निकाल रहे हो, किसका? ओनर का। ओनर को बोले कि तेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस का 50,000 आया। सुनना ना, अब यहां से स्टोरी चालू होता है ओनर के बारे में। ओनर को बोला जा रहा है कि आप लोग बोल रहे हो कि 50,000 पर टैक्स दो, तो ओनर चालू करेगा अब अपना
और बोलेगा कि सर क्या 50,000 पर टैक्स ले रहे हो मेरे से, इस हाउस का म्यूनिसिपल टैक्स मैं देता हूं। मकान का टैक्स देना पड़ता है मालूम है ना, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है हर साल नगर निगम में। बीएसपी वाले का तो नहीं होता, लेकिन जितने प्राइवेट हाउस होते हैं सबको टैक्स देना पड़ता है। तो ओनर बोलेगा सर 50,000 तो आपको दिख गया, इतना दिमाग लगाकर आप निकाल लिए, मैं जो टैक्स देता हूं उसको क्या करना है, मैं हर बार 2-5 हजार पर टैक्स देता हूं। तो बोला ठीक है चल रो मर, माइनस कर ले, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा। म्यूनिसिपल टैक्स क्यों म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा, क्योंकि ओनर बोल रहा है मेरा इनकम तो आपको दिख रहा है, मेरा खर्चा नहीं दिख रहा आपको। तो बोले दिख रहा है खर्चा, माइनस कर रहे। तो बोले ला 50,000 में से तेरे 2,000 रुपए म्यूनिसिपल टैक्स माइनस हो गया, ला 48,000 पर टैक्स दे दे मेरे को। तो बोलता है कि सर रुक जाओ, ओनर बोल रहा रुक जाओ, मेरा किरायादार ना पढ़ने वाला बच्चा है, किराया देता नहीं, घुमाता है मेरे को, लपूट है मेरा, रेंट वसूल नहीं पाता हूं मैं, देखो अनरियलाइज्ड रेंट वसूल नहीं पाता मैं, रिलाइज ही नहीं कर पाता, 1-2 महीने का देता ही नहीं किराया हर बार। तो बोले कितना नहीं मिलता, बोले 8,000 के आसपास किराया नहीं मिला मेरे को पिछला। तो बोला अनरियलाइज्ड रेंट ठीक है माइनस कर ले, ला 40,000 रुपए तो टैक्स दे दे इनकम टैक्स वाला, क्योंकि रूट था शुरू में अपने हिसाब से रूल लगा दिया 50,000, अब उसको थोड़ा रिलैक्स दे रहे, चल तू 50,000 में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर ले, अनरियलाइज्ड रेंट किराया वसूल नहीं हुआ, कई सारे किराएदार किराया नहीं दे पाते समय समय पर। तो बोला नहीं मिल पाया सर, किराया देता ही नहीं, मेरा पैसा घुमाता है, 8,000 रुपए। बोला माइनस कर ले, ठीक है माइनस कर लिया, अब बचा 40,000। इस 40,000 को एनुअल वैल्यू बोला जाता है। सर आप यहां क्यों लिखे, यही लिखना एनुअल वैल्यू, इधर मत लिखना, जो तरीका सिखा रहा उधर ही लिखना। सो गवर्नमेंट बोला लाभ 40,000 पर टैक्स दे दे। ओनर बोलते हैं सर थोड़ा सा रुको, 40,000 पर टैक्स मांग रहे हो, आपको मालूम है हर बार मैं अपने मकान का रिपेयर कराता हूँ, रिनोवेशन कराता हूँ, वाइट वॉश कराता हूँ, बिजली का कुछ खर्चा होता है, किराएदार लोग तो किराए मकान छोड़कर चल जाते हैं, पूरा घर को डैमेज कर देते हैं, छोटा मोटा तोड़ फोड़ हो जाता है, उसको बनवाता हूँ मैं, हर बार होता है। तो बोला कितना तेरा रिपेयर हो जाता है, खर्चा हो जाता है। बोला मेरा तो 30,000 रुपए तक का रिपेयर हो जाता है। बोला फालतू बात मत कर, 30,000 का नहीं होता, तो सर 20,000 का हो जाता है। तो अजम्पशन होगा ना ये, रिपेयर रिनोवेशन छोटा मोटा तोड़फोड़ व्हाइट वॉश कराना, इलेक्ट्रिसिटी का वायर कुछ चेंज हो गया, लाइट होल्डर बल्ब वगैरह। तो बोला तुम बात बता, इनकम टैक्स का रूल बोलता है 30% आपको और दिया जाएगा, 30% काम कर ले अपने इनकम को। इनकम टैक्स वाला बोला कि हर मकान मालिक का खर्चे होते हैं हाउस के, नो डाउट उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है रूम को, तभी तो लोग आएंगे, तो आपको मिलेगा डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये सेक्शन आपको याद करना है। हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24 में पहला डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू, ये है एनुअल वैल्यू। 40,000 का 30% देना, सर ये क्यों दिया जाता है, लैंडलॉर्ड जो ओनर होते हैं उनको बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं अपने मकान से, म्यूनिसिपल टैक्स डिफरेंट थिंग है, हाउस को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में, वाइट वॉश करने में, बना के रखने में कुछ खर्चे होते हैं, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो बोला जितना ज्यादा रेट होगा उसके हिसाब से 30% तेरे को माइनस करने मिलेगा। तो 40,000 का 30% कितना आ गया, 12,000। तो गवर्नमेंट बोला 12,000 काट लिया, अब तो टैक्स दे दे, कितना बचता 12 काटने से 28,000 रुपए। तो गवर्नमेंट बोला अब तो टैक्स दे दे, 28,000 रुपए बचा तेरा। तो बोलता है सर वेट, मैं ना ये मकान को बनाया हूं लोन लेकर, और इस लोन का मैं ब्याज भी देता हूं, और ब्याज मेरा एक्सपेंसेस है, इसीलिए तो किराए पर चढ़ाया मैं मकान को ताकि मेरा कवर हो जाए, तो मैं लोन लिया हूं उसका ब्याज है। तो बोला चल ब्याज भी माइनस कर ले, तो ब्याज यहां से 5,000 माइनस कर रहा है, ये वाला ब्याज क्या है बाद में समझाऊंगा, एक और ब्याज है ये भी माइनस कर ले, तो 2 ब्याज और माइनस कर रहे मिला, टोटल 8,000 रुपए और माइनस कर रहे मिला। बोला अब कितना हुआ, बोला कि अब मेरे पास बचा 20,000 रुपए। तो बोला चल अब 20 पर ही टैक्स देते। बोला ठीक है सर अब 20 पर आप टैक्स ले सकते हो। तो कमाया मैं 50,000 किराया, ये मेरे हिसाब से नहीं था, गवर्नमेंट के हिसाब से था, और गवर्नमेंट ही ने मुझे रूल दिया है कि बेटा आप माइनस कर सकते हो म्यूनिसिपल टैक्स, आप माइनस कर सकते हो अनरियलाइज्ड रेंट, आप माइनस कर सकते हो 30%
क्या सर ये 30% सब में कंपलसरी है? यस कंपलसरी है, म्यूनिसिपल टैक्स जितना बोलेगा उतना, अनरियलाइज्ड बोन जितना बोलेगा उतना, लेकिन ये 30% कंपलसरी है, एवरी टाइम आएगा 30%, हर बार 30% करना है। लोन नहीं लिया रहेगा तो नहीं आएगा, लोन लिया रहेगा तो ही आएगा, ये कब ज्यादा हो सकता है, लेकिन 30% आएगा ही आएगा। तो इन तरीकों से सब घटाने के बाद जो बचेगा 20,000 रुपए, इस पर टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा ला 20,000 पर टैक्स दे दे, सुने? तो इस तरीकों से आपको ये चैप्टर बनाना है। क्या क्या रहेगा? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, फिर अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करोगे, इसके बाद 30% माइनस करोगे, फिर इंटरेस्ट और लोन माइनस करोगे, तब जाकर आपका ये आंसर आएगा। अब मेरे अंदर एक डाउट आया आप लोगों के बिहाफ में, ये क्या है इसका मतलब? किराया मिला कि किराया नहीं मिला? बोलो। नहीं मिला, क्या किराया मकान मालिक छोड़ देगा किराया नहीं मिला तो? नहीं। अभी नहीं मिला ना, अभी नहीं मिला ना, बाद में तो मिलेगा। अगर बाद में मिल गया, अभी नहीं मिला लेकिन बाद में मिला, पिछले साल का पैसा इस साल मिल रहा है, होता है। मेरा कुछ फीस ऐसा रहता जो पुराना फीस अभी मिलता है, मिल जाता पुराना। अनरियलाइज्ड रेंट तो तब था जब नहीं मिला, कल चल के अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड भी तो होगा, थोड़ी ना छोड़ दोगे उसको, परेशान कर दोगे घर जा जाके, उसके बर्तन फेंकेंगे, उसके टीवी कूलर तोड़ेंगे, ला मेरा किराया वसूल दे करके। अनरियलाइज्ड रेंट बाद में मिलता भी है, तो गवर्नमेंट बोला जब नहीं मिला था तो तेरे को क्या करने दिया था मैं, माइनस। जब आज मिल रहा है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये देखो, अनरियलाइज्ड रेंट जब रिसीव्ड होगा तब उसको प्लस भी करना है। और ये टॉपिक थोड़ा सा छोड़ दो ना, अभी इसके बारे में एक दिन का पूरा लेक्चर है। दो पैसा लास्ट में इनको अलग से मिलता है, एरियर रेंट रिसीव्ड और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। जब ये दोनों आपको मिलेगा तो इसको जोड़ देना। ये बोला सर 20,000 रुपए तक का था अपना, काट पिट के बोला पुराना पैसा कुछ मिला है क्या? हाँ सर कुछ मिला है, 5,000 रुपए पुराना, उसको जोड़ ले, अब दे दे हमको टैक्स। तो ये है फॉर्मेट आपका। ये बहुत रेयर क्वेश्चन में मिलेंगे, ये दोनों नाम बहुत रेयर क्वेश्चन में, बुक के क्वेश्चन में गिन के 4 से 5 ही क्वेश्चन है ये दोनों पॉइंट के लिए। चैप्टर तो इतने में खत्म हो जाता है, चैप्टर इतने में खत्म। सर क्या ये फॉर्मेट को अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनकम टैक्स जैसा दिया है आपको वैसा ही बनाना है। स्टार्ट करोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स, यहां पर आपको एक रूल सुनाऊंगा, फिर माइनस करोगे अनरियलाइज्ड रेंट, इसके लिए एक छोटा सा रूल होगा, आपको मिलेगा एनुअल वैल्यू, इसको यहीं पर लिखा जाता है, फिर डिडक्शन माइनस करें मिलेगा अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू कंपलसरी है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके लिए आपको वर्की नोट सिखाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, इसके लिए वर्की नोट सिखाऊंगा, एरिया और रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड मिल रहा है तो इसको प्लस कर देना, इसके लिए आपको रूल सिखाऊंगा, इसके लिए आपको रूल सिखाऊंगा, चैप्टर हो गया डन। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इतना ही करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस। हाँ बोल भैया, कोई ओनर क्यों बताएगा कि अनरियलाइज्ड रेंट मिला है करके? वो झूठ भी तो बोल सकता है ना? बोल सकता है, नहीं बताएगा तो नहीं जोड़ेंगे, और अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, देगा तो जोड़ेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो सही में नहीं बताएगा कोई ओनर कि मुझे मिला हो तो, नहीं मिला बोल देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तब तो कुछ तो करना पड़ेगा अपन को क्वेश्चन में। कोई कोई ओनर होते हैं ना शरीफ लोग, अच्छे रहते हैं, बोले कि नहीं मैं एथिकल चलूंगा, मैं कभी गलत नहीं करूंगा गवर्नमेंट के साथ, तब वो देगा तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा। सही बात है, रियल लाइफ में कोई नहीं बताता, लेकिन देगा तो क्या करेंगे, तब दे देगा तो छोड़ ही छोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे। तो इनकम टैक्स वाला पूछेगा नहीं? नहीं नहीं नहीं, इनकम टैक्स वाला तो यहाँ पर बता देगा। इनकम टैक्स वाला कितने पब्लिक को पकड़ेगा, कितने करोड़ों लोग है, अरबों लोग है वो लोग। अच्छा मालूम है, इनकम टैक्स वाला हमको अपने जिम्मेदारी से जमा करना है। अब इनकम टैक्स वाले को जब डाउट लगता है कि ये आदमी कोई कंप्लेन कर दिया और लगेगा कि ये आदमी इतना किराया कमाता टैक्स नहीं देता, तब जाकर उसका स्क्रूटनी निकलता है। स्क्रूटनी मतलब तब उसके घर पर छापा लग रहा, छापा पड़ता जो बोलते हैं ना अपन, वो जब पड़ता है तब ये सारा चीज बाहर निकलता है, नहीं तो तब तक नॉर्मल क्वेश्चन में ये सारा चीज नॉर्मल चलेगा। हम लोगों को पॉजिटिवली चलना है कि हाँ ऐसा ऐसा दिया रहेगा तो कैसे चलना है, नहीं पूछ सकता इतना जल्दी, किसी से नहीं पूछेगा, इतने अरबों खरबों लोग हैं हमारे देश में, हर कोई कमाता नहीं बता सकता कोई। तो ये है सिस्टम आपका, पहले ये दोनों माइनस होगा, फिर ये 3 आपका माइनस होगा, फिर ये 2 आपका प्लस होगा,
इन्फॉर्मेशन, बिकॉज क्वेश्चन तो नॉर्मल लोगों के हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा ना, तो दिया रहता है उसने अनरियलाइज्ड रेंट मिल गया तब क्या करेंगे। स्टार का मतलब यहाँ पर रूल है, वर्की नोट का मतलब यहाँ वर्की नोट है, और ये स्टार का मतलब यहाँ रूल है। इनको करने के बाद आपका एक आंसर मिलेगा जिसको आप फाइनली आप बोल पाओगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये क्या है टैक्सेबल इनकम? ऐसा इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। अब इस पर टैक्स लगेगा, अभी आप टैक्स भी निकाले, अभी तो आप इनकम पता क्योंकि हाँ इस पर टैक्स लगा सकते हैं, फिर टैक्स निकालना आपको सिखाऊंगा 2-3 महीने बाद, इतना जल्दी नहीं आएगा, बहुत लंबा चैप्टर है। तो ये आपका फॉर्मेट स्क्रीनशॉट लेकर रख लो घर में, लिख लेना इनको, वो जो आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिखा उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लेना। अब दिमाग में किसके पास जो जो आ रहा है बिल्कुल पूछ सकते हो। सर क्या टैक्स देना कंपलसरी है? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टैक्स देना कंपलसरी नहीं होता, वॉलेंट्री होता है, लेकिन आप कमा रहे हो बैंक में पैसा दिखेगा तो कभी भी रिपोर्ट आ सकता है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए पढ़ रहे टैक्स देना पड़ता है। पूछो अब जिसके दिमाग में क्या क्या रहा हाउस प्रॉपर्टी से। मेरे पड़ोस के लोग तो हैं उन लोग नहीं देते टैक्स, उन लोग तो किराए पर दिए हैं, या हम ही लोग कुछ होंगे ऐसे जो किराए पर दिए हैं नहीं देते टैक्स। ह्यूमन नेचर नहीं पढ़ रहे हम लोग, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, उनके रूल्स पढ़ रहे हैं। कल चल के जब आप किसी फर्म को ज्वाइन करोगे, काम वगैरह करने लगोगे, टैक्स वगैरह में इसमें से निकलते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स के फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, तब आपको ये चैप्टर आएगा। कोई आदमी लाएगा बोलेगा मैं एक साल में इतना किराया निकाला कमाया, मेरा टैक्स निकाल के बता दे, तब आपको चैप्टर्स लगाने पड़ेंगे। किराएदार को थोड़ी ना मालूम है 30% रूट टैक्स मिलता है। बताओ आप लोग अगर किराया पर दिए हो किसी को, आपके घर वाले या पड़ोसी वाले, उनको थोड़ी ना मालूम कि माइनस करने मिलता है म्यूनिसिपल टैक्स, माइनस करने मिलता है 30%। ये हम अकाउंटेंट लोग का काम है उनको बताने का कि अंकल आप किराया कमाते हो उसका टैक्स पूरा दे देते हो क्या? तो बोले नहीं बेटा नहीं पता करके, बोले 30% आप कम कर सकते हो, आप अपने इनकम को कम कर सकते हो, इसी का पैसा लेते हैं हम लोग फिर कि उसका टैक्स कम करवाए तो लाओ हमको थोड़ा फीस दे दो आप करके। तो नियम कानून जानना जरूरी, इससे कल चल के आप अपना इनकम कमा सकते हैं। किसी स्टार्टर अकाउंटेंट के फर्म में जाओगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है अकाउंटिंग का काम करोगे तो ये सब नियम आना चाहिए। हालांकि आप लोग पढ़ के एक साल में भूल जाओगे, मुझे मालूम है हर साल तो ये होता है, पढ़ते रहते अच्छा लगता है भूलते जाते हैं। सो ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है आपका, कल चल के इसका न्यूमेरिकल वार्ड चालू करूंगा, म्यूनिसिपल टैक्स का रूल सुनाऊंगा, इसके अंदर क्या रूल है, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, अभी रूल्स चालू नहीं किया मैंने।